पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुवार को मनाली शहर से कैलोंग की ओर 5 किलोमीटर दूर नेहरू कुंड में भूस्खलन के कारण मनाली लेह राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। मनाली थाना प्रभारी संदीप पठानिया ने बताया कि ट्रैफिक को बरुआ शनाग लिंक रोड पर डायवर्ट किया गया। वहीं राजमार्ग का रखरखाव करने वाले सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने बड़े पत्थरों के कारण हुए अवरुद्ध को हटाने के लिए कर्मचारियों और मशीनरों को सेवा में लगाया है। इस बीच भूस्खलन के कारण ओट बंजर सेंच राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। यातायात बहाल करने में 2 घंटे लग गए तो वहीं पंडो के पास ओट में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग को फिर से खोल दिया गया। राहत की बात यह रही कि इन तीनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की या निजी संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। कुल्लू के डिप्यूटी कमिश्नर आशुतोष गर्ग ने कहा कि कई भूस्खलनों के कारण लिंक रोड भी अवरुद्ध हो गए थे, जिसे लेकर लोक निर्माण विभाग प्राथमिकता पर यातायात बहाल करने के लिए काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। सोलन राज्य में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान रहा, जहां 33.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो वहीं नाहन में 31.2 मिलीमीटर और मंडी में 28.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पालमपुर शहर में 22.6 मिलीमीटर, कांगड़ा में 18.2 मिलीमीटर, चंबा में 7 मिलीमीटर और धर्मशाला में 6.2 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बीच राज्य में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग सहित एडवेंचर खेलों पर 2 महीने का प्रतिबंध गुरुवार को हटा दिया गया। कांगड़ा के बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि मानसून के कारण 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई थी।